इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मैच में जानिए क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK स्पोर्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली चौथी T20 सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और साथ ही आप भी चाहते हैं कि चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार 48 रनों से जीत दर्ज की है। इस सीरीज को जीवित रखने का काम किया है, क्योंकि शुरुआती दो मुकाबलों में मेहनत टीम साउथ अफ्रीका ने लगातार एक तरफा जीत हासिल करते हुए सीरीज में अपनी पकड़ को काफी मजबूत कर लिया था। लेकिन इसके बाद विशाखापट्टनम के मैदान पर खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी ने बेहतर प्रदर्शन किया और इस सीरीज ने अपनी पहली जीत हासिल की है। तीसरे मुकाबले में ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से शानदार अर्धशतकीय पारी देखने को मिली थी, इस जिससे भारतीय टीम एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब रही है। वहीं गेंदबाजी में हर्षल पटेल के अलावा यजवेंद्र चहल का भी जादू देखने को मिला, जिन्होंने अफ्रीका टीम के बल्लेबाजों को इस मुकाबले में बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद अब टीम इंडिया इसी लय के चौथी T20 में भी बरकरार रखने की कोशिश करेगी ताकि सीरीज को 2-2 की बराबरी पे लाया जा सके। वहीं इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम की बात की जाए तो उसमें कप्तान ऋषभ पंत किसी तरह के बदलाव नहीं करना चाहेंगे। पिछले मुकाबले में हर्षल पटेल और चहल ने शानदार गेंदबाजी को दिखाया, जिसके बाद ऐसा ही प्रदर्शन इस मैच में भी उनसे देखने के लिए होगी। वहीं अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, यजवेंद्र चहल, आवेश खान टीम में शामिल है। तो दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है भारतीय टीम चौथे T20 मैच में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट जगत की अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।